संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने कहा कि बीसीसीआई के प्रतिष्ठित अध्यक्ष पद से अनुराग ठाकुर को हटाए जाने से हमीरपुर की छवि देश और विदेशों में खराब हुई है और अनुराग ठाकुर को हमीरपुर की जनता को यह बताना होगा कि उन्हें बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से क्यों हटाया गया। बिलासपुर के दौरे के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए रामलाल ठाकुर ने कहा कि लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों में भारी उत्साह है और उनके उत्साह को देखते हुए यह लगता है कि हमीरपुर सीट पर कांग्रेस की जीत होगी। देशों में ज्यादा नंबर आया, टीवी के माध्यम से हम उनको जरूर देखते हैं कभी कभार कि भाई एक आदमी जो है वो कभी सिंगापुर में होता है, कभी थाईलैंड में होता है, कभी कोरिया में होता है, कभी इंग्लैंड में होता है। पर सबसे बड़ी बात यह है, हमारा दुर्भाग्य ये है कि जिस आदमी को क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन बनाया वो आदमी जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक जस्टिस लोढ़ा कमीशन बैठाया क्रिकेट की अनियमितताओं के ऊपर, जिसमें जस्टिस लोढ़ा ने जो रिपोर्ट दी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर को क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से बाहर निकाल दिया। मैं तो बिल्कुल उनसे ये पूछना चाहूँगा कि लोगों को आप बताएं कि आपको क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से क्यों निकाला गया। दूसरा मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आपने सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगी और आपने जो बयान हल्फी दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत है, ये कानून के मुताबिक नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो माफ़ीनामा दिया, कृपया करके उसके बारे में लोगों को बता दें कि ये क्या क्या है, क्यों आपने जो है ना हमीरपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लोग हैं उनका आपने सिर नीचा क्यों किया है। और मैं उनसे ये भी कहना चाहूँगा कि जिस रेलवे लाइन की बिलासपुर को भनुकड़ी से जोड़ने की वो बात कर रहे हैं, उनके पिताजी भी यही बात करते थे। पिछले तीन चुनावों में वो बिलासपुर की रेल लाइन की बात करते रहे, लेकिन ये सर्वे जो है माननीय वीरभद्र सिंह जो मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के थे, हमने अपने खर्चे के ऊपर सरकार का ने पैसा दिया और वीरभद्र सिंह जी ने ये जो ब्रॉडगेज लाइन है हिमाचल प्रदेश के अंदरूनी एरिया में ले जाने के लिए उसका सर्वे उसमें करवाया था जब वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और उस रेल लाइन के ऊपर लोगों ने चुनाव जो है चुनावी मुद्दा बनाया लेकिन काम पूरा नहीं किया। ऐसे ही अब चुनाव आ गया तो अब उसमें जो है वो ज्वाला जी को भी जोड़ दिया, उसमें हमीरपुर को भी जोड़ दिया कि रेल लाइन आएगी, लेकिन ये केवल मात्र चुनाव तक ही सीमित है। चुनाव के बाद कुछ नहीं होता। नेशनल हाईवे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाने थे वो नहीं बन पाए। हमारी 4 लेन पिछले 2 सालों से रुकी पड़ी है जो केंद्र सरकार की है, वो आज उसका काम नहीं हो पाया। तो ये काम है जो मेंबर पार्लियामेंट को करने चाहिए। मेंबर पार्लियामेंट को हमने क्रिकेट खेलने के लिए थोड़ी भेज रखा है, समस्याओं के निपटारे के लिए भेजा हुआ है और वो समस्याओं का निपटारा करने में फेल हुए हैं। और बड़ी बात यह है कि जो MP-LED का पैसा है उस MP-LED पैसे का दुरुपयोग हुआ है, और यहाँ तक कि दुरुपयोग ही नहीं हुआ, वो ऐसे मेंबर पार्लियामेंट निकले कि उन्होंने पैसा सरेंडर करवा दिया और पैसा दे नहीं पाए। लोगों को पैसा नहीं मिलता, जिनको पैसा मिला हुआ है वो लोगों को दे नहीं पा रहे हैं। तो इससे जो है वो मैं कहूँगा कि बड़ा उसका जो है वो लोगों में गलत प्रभाव जो गया है। बिलासपुर से सुरेंद्र जम्बाल की रिपोर्ट।